वीडियो में पढ़ेंगे आश्रित समीकरण युग्म का ग्राफ समपाती होता है। जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो समीकरण युग्म अविरोधी होता है उसका ग्राफ जो होता है प्रतिच्छेदी होता है, और जो समीकरण युग्म आश्रित होता है, जो समीकरण युग्म विरोधी होता है उसका ग्राफ जो होता है एक दूसरे के समांतर होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि जो समीकरण युग्म आश्रित होता है उसका ग्राफ जो होता है वो समपाती होता है। समपाती का मतलब क्या होता है आगे हम लोग इसी वीडियो में देखेंगे। हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि एक समीकरण है (3x + 2y - 6) = 0, और दूसरा समीकरण युग्म है (6x + 4y - 12) = 0। यहाँ से देख रहे हैं कि a बराबर 3 है, b बराबर 2 है, c बराबर -6 है, d बराबर 6 है, e बराबर 4 है, f बराबर -12 है। a बाय d का वैल्यू निकाले 3/6 करके 1/2 आ रहा है, b बाय e का वैल्यू निकाले 2/4 काट के 1/2 आ रहा है, c बाय f भी निकाले तो -6/-12 कट के 1/2 आ रहा है। हम लोग देख रहे हैं कि a बाई डी बराबर b बाई e बराबर c बाई f तीनों बराबर है। तो हम लोग इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़े हैं कि यदि a बाई डी इक्वल टू b बाई e इक्वल टू c बाई f हो तो समीकरण युग्म जो होता है वो आश्रित होता है। इस प्रकार से समीकरण युग्म आश्रित है ये साबित हो गया। अब ये आश्रित है जिसका हम लोग ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ खींचने के लिए सबसे जरूरी क्या होता है? मान सारणी। तो समीकरण फर्स्ट का मान सारणी बनेंगे। समीकरण फर्स्ट का मान सारणी में यह है जब x बराबर 0, समीकरण फर्स्ट में जब x बराबर 0 x की जगह पर 0 रखे हैं, 3 × 0 + 2y - 6 = 0, तो 3 × 0 = 0 हो गया, 2y - 6 = 0 बचा, 6 इधर आ गया तो 2y = 6 हो गया, y = 2 इधर बटा में आएगा, काट दे 2 × 3 = 6, तो y = कितना आ गया आपका 3। एक बिंदु मिल गया जब x बराबर 0 तो y = कितना आया 3। फिर क्या किया जब y = 0 इसमें लिए, y = 0 जब y = 0 तो y = 0 ले लेते हैं। जब y = 0 लिए हैं तो 3x + 2 × 0 - 6 = 0, तो 3x - 6 = 0 आ गया, तो 3x = 6 हो गया, 3 इधर आएगा बटा में कट के 3 × 6 x = 2 आ गया। इस प्रकार से x = 2 तो दूसरा बिंदु भी निकल गया, x = 2 तो y = 0। अब ये दूसरा समीकरण इसका भी मान सारणी बनाइए, 6x + 4y - 12 दूसरा समीकरण जो है उसका भी मान सारणी बनाइए। तो समीकरण दो में जब x = 0 लेते हैं तो देखिए यहाँ पर 6 × 0 हो जाएगा, 6 × 0 + 4y - 12 = 0, ये तो 0 हो गया, 4y = 12 क्योंकि ये -12 इधर गया तो प्लस में हो गया। अब y 4 इधर गुना के रूप में इधर गया तो बट्टा में, तो 4 × 12 तो y का वैल्यू कितना आ गया 3, से काट दिए हैं तो 3 आ गया। आप ऐसे काट भी सकते थे 4 × 12 = 3 लिखे तो y का वैल्यू 3 आ गया, तो x = 0 तो y = 3। एक बार फिर क्या करेंगे हम y = 0 लेंगे, तो y = 0 ले रहे हैं यहाँ पे, तो 6x + 4 × 0 - 12 = 0, तो 0 हो गया, 6x - 12 = 0, तो 6 × 12 x = हो गया 12/6 कट के 2 आ गया, x = 2 आ गया, तो x = 2 और y = 0 यहाँ पर भी बिंदु मिला है। तो आप क्या कीजिए, पहले समीकरण फर्स्ट का ग्राफ खींचिए। समीकरण फर्स्ट का ग्राफ खींचेंगे x = 0 y = 3, यहाँ पर x कोऑर्डिनेट 0 है, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 0, तो 0 है तो बिंदु वाई एक्स पर ही होना है, वाई एक्स पर होगा कहाँ, जितना वाई का मान है, तो वाई का मान है 3, तो 3 पे एक बिंदु मिल गया, 0.3 इस पॉइंट का नाम होगा। दूसरा है 2.0, तो वाई कोऑर्डिनेट 0 है तो बिंदु को एक्स एक्स पर होना है, एक्स एक्स पर होगा कहाँ, तो जितना एक्स का वैल्यू है, एक्स का वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर बिंदु हो गया। अभी दोनों बिंदु को मिलाता हुआ ग्राफ खींच दिया, तो समीकरण फर्स्ट का ग्राफ खींचा है। अब समीकरण सेकंड का ग्राफ खींचेंगे तो यहाँ पर भी जो बिंदु बन रहा है 0.3, मतलब यहाँ पर भी x कोऑर्डिनेट 0 है, तो x कोऑर्डिनेट 0 है तो बिंदु कहाँ पर होगा, y एक्स पर ही होगा, y एक्स पर होगा तो कहाँ, तो जितना y का वैल्यू है 3, तो इस ग्राफ का भी बिंदु यहीं पर होगा 0.3। और फिर दूसरा बिंदु है 2.0, तो y कोऑर्डिनेट 0 है तो x एक्स पर बिंदु होगा, और होगा कहाँ, जितना x का मान है, x का मान 2 है, यही पर बिंदु हो जाएगा। तो दूसरे समीकरण का ग्राफ की खींचेंगे तो दूसरा बिंदु यहाँ पर है, तो दूसरे समीकरण का ग्राफ भी जब खींचते हैं तो ग्राफ इसी पर आता है। इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि दोनों समीकरण का ग्राफ जो है, दोनों समीकरण का ग्राफ
एक ही लकीर आता है, पहले वाले समीकरण का अगर आप खींचे थे वो भी यही लकीर, और दूसरे वाले समीकरण अगर आप खींचे तो भी एक ही लकीर आ गया। तो जब दो समीकरण का अगर आप एक ही लकीर पर आ जाए उसे ही कहा जाता है संपाती। इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि आश्रित समीकरण युग्म का ग्राफ जो होता है वो क्या होता है, संपाती। ये एक दूसरे पर लाई करेगा, बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर जाएगा,